फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर से घूमने आए हैं और आप यहाँ पे भी मैं आपको एक भंगड़े का स्टेप जरूर सिखाऊंगा धनौल्टी के पहाड़ों में। फ्रेंड, जिसको भंगना नहीं आता वो थोड़ा ऐसे चौड़े पैर करके खड़ा हो जाए यूँ, और यूँ करता रहे बस। ये देखो कितना अच्छा है, जब आता नहीं तो यूँ करते रहो, या फिर जिसको आता है वो जैसे मर्जी कर सकता है। रुको ना एक मिनट, ये मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं, तो फिर आपको ऐसे ही करना है बस, ऐसे क्या बात पानी। तो अपा अचानक ही बद्रीनाथ का प्रोग्राम बना लिया सीगा, तो असं कल दे तुरे हाँ बद्रीनाथ ले, और उत्ते रोक भी लगी सी, पर अपने दोस्तों की जान पहचान होने कारण सानू बर्फ़ चाण दिता है, तो असं हौली हौली बर्फ़ च जा रहे हैं। अगे जाके मैं थोड़ा होर एक वीडियो दिखाऊँगा जी, डांस की वीडियो होगी अपनी। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि कितना यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, काफ़ी बर्फ़ है और गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है काफ़ी। आप देख सकते हैं कैसे जाम लगा पड़ा है, हो सकता है कि हमें रात यहीं बितानी पड़े क्योंकि हम पिछली छोड़ी है सब है। और ये देखो आप चारों तरफ कितनी बर्फ़ है, लोग स्लिप हो रहे हैं, गिर रहे हैं, काफ़ी स्लिपरी होती है बर्फ़। और सब फोटो लेने के चक्कर में है यहाँ पे सब फ्रेंड्स, तो अभी देखते हैं फोटो सेशन भी कराते हैं इनका। तो फ्रेंड्स, तुसी देख सकते हैं आज असी मसूरी दे कोल ही एक जगह आ उत्थे आए हुए हैं, और काफ़ी बर्फ़ पई हुई है, तो बर्फ़ थानू पिछे मेरे नज़र आ रही होगी। तो अज मेरे फ्रेंड्स आ गए सी मेरे कोल और कहते चलो चलीए, तो असी बर्फ़ के नज़ारे लैन आए हैं। तुसी देख सकते हैं किन्नी बर्फ़ पई हुई है मेरे पिछे, काफ़ी स्नोफॉल होया इधर तुसी देख सकते हैं, तो थानू इत्थे भी हुण भंगड़े दे स्टेप सिखाई जाओगे। तो फ्रेंड्स, पीछे का व्यू थोड़ा सही नहीं आ रहा आज बर्फ़ के कारण, तो व्यूज़ जब बन ही नहीं रहा तो फिर ब्लैक भंगड़ा करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है फ्रेंड्स।